तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे किसको पकड़ गए? क्या ये मोबाइल गिर गया मेरा है। क्या बोला तू? वो हम लोग पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। जैसे क्यों देख रहे हो जेठालाल? बच्चे पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे भाई तुम लोग, लेकिन इतना चिल्ला के क्यों खेल रहे थे? तुम इतनी जोर जोर से चिल्लाए बेटा कि हम लोगों को सोडा शॉप पे ये लगा कि अंदर कोई चोर आ गया है, इसलिए तुम दौड़ रहे हो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो हम सब लोग दौड़ के आए यहाँ पे। सॉरी, तुम लोगों के सॉरी की वजह से देखो बेचारे हाथी भाई की सांस फूल गई। भाई भागूंगा, फूलेगी ना। क्या बोला? बोल रहे हैं कि अगर इतने भारी शरीर के साथ भागूंगा तो सांस तो फूलेगी ना। सही है। अब बोल रहे हैं कि सही बात है। अच्छा तो मतलब आपकी सांस फूल गई तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओ जेठालाल, तुम जानते हो उनकी सांस फूली हुई है, फिर भी तुम्हें उनसे बातें करनी है? अरे मैं उनके लिए बच्चों को डांटने गए तो वो तो उल्टा बच्चों की साइड ले रहे। जेठालाल, तुम बच्चों को नहीं डांटोगे? मैं डांटूंगा। बच्चो क्या 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 चल क्या रहा है तुम्हारा? ऐसे चिल्ला चिल्ला के कोई खेलता है क्या? अरे मास्टर, बिना चिल्लाए बच्चे पकड़ा पकड़ी कैसे खेलेंगे? अरे लेकिन उनके चिल्लाने के चक्कर में सोडे का धक्का लगा और मेरा फोन नीचे गिर गया ना, अगर टूट जाता तो? पेड़ों लेकिन टूटा तो नहीं ना? अरे लेकिन टूटता तो? और तुम लोग शांति से नहीं खेल सकते? तुम ये बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो। पेड़े अंकल, तुम लोग क्या करे, पूरा दिन सोसाइटी के बाहर नहीं निकल सकते, पूरा दिन घर पे बैठे रहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्लब हाउस में टेबल टेनिस और चेस खेलते हैं। और बीड़ा अंकल, फिटनेस के लिए तो ऐसी सब गेम्स खेलनी चाहिए ना। वही बात है। और बीड़ा अंकल, जब हम क्लब हाउस में थे तब आपने क्या कहा था कि टप्पू सेना तुम आलसी हो, तुझारो आलसी, क्या पूरा दिन घर में बैठे रहते हो, क्लब हाउस में बैठे रहते हो, तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, और कुछ ऐसी गेम्स खेलो जिससे कसरत हो, कसरत। आप ही ने कहा था ना। इसका मतलब गलती पिड़ू की है। सॉरी, मैंने कहा था उनको, लेकिन ये नहीं कहा था कि चिल्ला चिल्ला के खेलो। सॉरी, गलती करो और सॉरी बोल दो। तुम लोगों की वजह से अगर मेरा मोबाइल टूट जाता तो मुझे कितना महंगा पड़ता। बस है बिल्ली मास्टर, बस कर भाई। अरे बच्चों ने सॉरी बोल दिया ना, खेलते खेलते अनजाने में हो जाता है, उसमें डांटना क्या। अरे प्यार से बोल दो कि आवाज थोड़ा कम करो, बात करता हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों देखो बेटा, खेलो, लेकिन ये इस तरह से चिल्लाओ मत भाई। तुम जानते हो ना तुम्हारे चिल्लाने से कितनी बड़ी समस्या खड़ी होगी, हम लोगों को आना पड़ा है। और भिड़े, गोकुल धाम है, यहाँ कोई ना कोई हंगामा होता रहता है भाई। आज ये बच्चों ने हंगामा किया, कल कोई और करेगा है। चले एक मिनट, हम लोग अभी खेले कि नहीं? नहीं, मेरा सवाल नहीं है, सोनू का सवाल है। खेलो बच्चों खेलो, और अभी तो हमें पता है कि तुम लोग पकड़ा पकड़ी खेल रहे हो। हाँ चलो खेलो बेटा। आओ यारो। अरे पर एक बात कहनी पड़ेगी, इन बच्चों की जो शरारतें हैं ना, ये सोसाइटी में एकदम माहौल मस्ती भरा कर देती है भाई। हाँ, नहीं, वो तो है। दो मिनट के लिए पोपटलाल का टेंशन भूल गए थे। अरे भिड़े मास्टर, तुम पोपटलाल को फोन कर रहे थे ना, अब तुम कर रहे हो या मैं करूं? नहीं नहीं, करता ना आती भाई, मैं पोपटलाल की तरह कंजूस थोड़ी ना हूं। थैंक यू भिड़े। वेलकम। आज्ञा तो मेरे साथ कबड्डी खेलकर मेरा एक पैर खींच ही रहा, मुझे कंजूस कहकर तू दूसरा पैर भी खींच ले। अरे नहीं पोपटलाल, मैं तुम्हें कंजूस कह नहीं रहा था, वैसे ही मैंने दोस्ती में कहा भाई। हाँ पोपट भाई, इतने महीने के बाद ये लोग सोडा पीने के लिए आए, आपके नौकरी की टेंशन में किसी ने सोडा नहीं पिया। हाँ भाई, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे। पोपटलाल आओ, बैठो 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 बैठो। पोपटलाल जल्दी से बताओ, तुम तूफान एक्सप्रेस गए थे तो क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। क्या क्या? जो हिसाब करने गया था वो हिसाब तो हुआ, लेकिन पैसे नहीं मिले। अरे बाप रे, क्या बोले कब देंगे?
उन्हें पैसे मिलेंगे तब देंगे। अरे अलग क्या अर्थ है, ये तो वही बात हो गई, जो इंसान गिर रहा है उसको हाथ देने के बजाय धक्का दे दिया, ये तो गलत बात है। ओए पप्पू, वो ऐसे कैसे तेरी मेहनत के पैसे नहीं देंगे? तू चल मेरे नाल तेरे बॉस के पास, आज तूफान एक्सप्रेस और तेरे बॉस नु मैं ही ला दूंगा। अरे सोडी 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 शांत हो जा भाई सोडी। अरे भाई तूफान एक्सप्रेस वैसे ही बंद हो गया है, और जब बंद हो गया तो उनके पास पैसे कहाँ से होंगे अभी? और जब होंगे तब वो लोग दे देंगे, प्रैक्टिकल सोचना भाई। बैठ जा आराम से बैठ जा, तेरा गुस्सा जायज है पर बैठ जा। सोडी पैसे तो देंगे वो लोग, लेकिन कोरोना काल का बहुत असर हुआ है, लोगों ने अखबार पढ़ना बंद कर दिया है, मोबाइल और टीवी पर अखबार पढ़ लेते हैं। अरे मेरा बॉस खुद रो रहा था, तूफान एक्सप्रेस को बहुत लॉस हुआ है इसीलिए तो बंद हो गया। तो पोपट भाई दूसरे अखबार में नौकरी पे लग जाइए ना। अरे दूसरे अखबारों के कई पत्रकारों का भी मेरे जैसा हाल है, आज 5 पत्रकारों के मुझे नौकरी के लिए फोन आए थे। तो पोपटलाल तुम न्यूज चैनल ज्वाइन कर लो। अरे वो अपना काम नहीं है अय्यर भाई, तो कैमरे के सामने बोलना उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, मैं अखबार का आदमी हूँ। क्या होगा अब? कोरोना कोरोना कोरोना, और तूने सबकी बैंड बजा के रखी है, वो तू जेट दबरा के सपने में आया है, इतना था तो मेरा सपने में आके दिखा, और मैं चलूं चट्टाना नहीं। छोड़ी छोड़ी छोड़ी, देख तेरा गुस्सा जायज है, समझ सकते हैं हम सबको गुस्सा है, लेकिन ऐसे आवाज देने से कोरोना को बुला लेते तो दुनिया अब तक बुला लेती और मार पीट के भगा देती। हां गुस्सा मत कर, बैठ जा बैठ जा, कंट्रोल कर, फिर भी मैं कोरोना को छोड़ूंगा नहीं। हां हो हो हो, मैंने मेरे सपने में कोरोना को पीटा था ऐसी बात नहीं है, पर हकीकत में चाचा जी को कोरोना काल में पगार कम मिलता था फिर भी जैसे तैसे चला रहा था, लेकिन अब तो पगार ही बंद हो गया, नौकरी ही नहीं रही, बिना पैसों के सब कैसे चलेगा, मेरी तो पूरी दुनिया हिल गई है। ओ यारो, वो जैसे डीजल और पेट्रोल के बगैर गड्डी नहीं चलती, तो वैसे बिना पैसे की जिंदगी कैसे चलेगी? हाँ पर पोपटलाल तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, हम सब है ना। थैंक यू दोस्तों, मुझे पैसों की मदद नहीं चाहिए, थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास, और वैसे भी इन दिनों कई लोग बिना पैसों के जैसे तैसे गुजारा चला ही रहे, मैं भी लड़ना सीख लूंगा, सह लूंगा, लड़ लूंगा। ओए पप्पू तू खर्चा पाने की बिल्कुल फिक्र मत करना, वाहेगुरु सच्चे पाशाह सब चंगा करेंगे। काश अच्छी बातों से हालात भी अच्छे हो जाते, चलो मैं चलता हूँ। अरे अरे पोपटलाल, अरे पोपटलाल सोडा पीकर तो जाओ। नहीं नहीं हाथी भाई, तुमने खाना खाया पोपटलाल? नहीं, पर सच कहूँ तो भूख भी नहीं है, अगर बाद में भूख लगी तो घर पर जो होगा वो खा लूंगा, आप लोग सोडा पीजिए मैं चलता हूँ, गुड नाइट। ओ यारो ये पप्पू के साथ बहुत गलत हुआ यार, मेरा हंसता खेलता यार कितना टेंशन में। अरे सोढ़ी टेंशन तो स्वाभाविक है, जिसकी नौकरी गई उसे कितना टेंशन होगा, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उसे जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए बस। अब्दुल यार सॉरी, आज सोडा नहीं पी पाएंगे। ओके, अब जब पप्पू को नौकरी मिलेगी ना फिर हम लोग रज के सोडा पियेंगे और तगड़ी सोडा पार्टी करेंगे। सही बात है। हाँ बराबर है सोढ़ी भाई, चलो फिर चलते हैं। गुड नाइट अब्दुल, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। तू छोड़ दे नौकरी, छोड़ दे। अरे वाका ऐसे सेठ के पास काम ही नहीं करना चाहिए, तेरा सेठ है ना एक नंबर का बेवकूफ है, बेवकूफ। दरअसल तुझे सेठ होना चाहिए और उसे तेरे नीचे काम करना चाहिए। बापू जी अरे तुझमें बहुत हुनर है भाई, तुझे तुझे धंधा चालू करना है ना, है? हाँ तो तू अपना धंधा चालू कर, पैसों पैसों की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं तुझे दूंगा। बापू जी ए, वो सेठ होगा अपने घर पे, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तू देखना मैं उसे डांटूंगा। अरे डांटूंगा क्या, छड़ी से मारूंगा मैं उसे। बापू जी क्या है बापू जी ये? अरे एक मिनट शांति रखना भाई, देख नहीं रहा मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। सुन तू चिंता मत करना, तू चिंता मत कर, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ ही है, ठीक है?
और पैसों की जरूरत पड़े तो मेरे पैसे भी तेरे साथ है, ठीक है? चल रखता हूँ, जेठिया आ गया है। बोल क्या? बापूजी ये सब क्या है? क्या? अरे मेरे सामने आप पाका को कह रहे हैं कि उसको सेठ होना चाहिए और मुझे नौकर होना चाहिए। अरे मैं बहुत अच्छा सेठ हूँ, चाहिए तो आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। अभी कोरोना काल में 1 रुपये की आमदनी नहीं थी बापूजी, फिर भी हर महीने की 1 तारीख को मैं नट्टू काका को, बाका को और मगन को, तीनों को पूरा पगार दे रहा था। और आप कह रहे कि बाका को उठा रहे मेरे सामने कि नौकरी छोड़ दे, क्या किया मैंने ऐसा आखिर? अरे भाई जेठिया, अरे अरे सुन, दूर से बात की। अरे एक मिनट खड़ा रहे, खड़ा रहे, सुन भाई। अरे भाई जेठिया, बचाओ मैं, मेरी मौसी की बेटी मालती है ना? हाँ हाँ है ना। उसके बेटे का नाम क्या है? वाघ जी। हाँ वाघ जी, वो तो काइला की है नाम है, लेकिन सब लोग उसे प्यार से क्या बुलाते हैं? नहीं मुझे नहीं पता। अरे वाघा, सब लोग उसे प्यार से वाघा बुलाते हैं। हाँ। तो मैं वाघा से बात कर रहा था भाई। आप वाघा से बात कर रहे थे? मुझे लगा आप बाघा से बात कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं भाई, मैं वाघा से बात कर रहा था। बचपन से उसे मैं कहता था कि भाई पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, लेकिन नहीं, पढ़ाई की नहीं तो बड़ी नौकरी मिली नहीं। अभी बचाओ में वो जखरा सेठ की राशन की दुकान है ना, उसमें काम करता है, लेकिन 7 महीने से जखरा सेठ ने एक भी पैसा ही नहीं दिया, पकड़ दिया ही नहीं। तो पूछ रहा था कि क्या करूं, नौकरी छोड़ दूं? मैंने बोला हाँ ठीक है छोड़ दे, लेकिन भाई फिर करेगा क्या? हाँ। वो कह रहा था कि हाईवे पे एक टायर पंक्चर की छोटी सी दुकान खोलना चाहता है, तो मैंने बोला ठीक है खोल खोल बिंदास खोल, मैं तो हूँ ही। मैंने बापूजी क्या, मैं तो हूँ ही। अरे वो हाईवे पे पंचर की दुकान, मतलब वहाँ तो ट्रक और बस के बड़े बड़े टायर आते हैं, पर वो टायर का पंचर रिपेयर करना मतलब बहुत मेहनत लगती है बापूजी, उसमें सड़िया डाल के बहुत मेहनत लगती है। अरे मेरी बात तो सुन भाई, मैं तो हुई, मतलब अगर उसे पैसों की जरूरत है तो मैं तो हुई। अच्छा ऐसे? हाँ पैसे मैं दे दूंगा। लेकिन तुझे पता है उसने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। ओहो, आजकल सब स्वाभिमानी हो गए हैं। और कौन स्वाभिमानी बन गया? अपना पोपटलाल। अपना पोपट? हाँ, वो तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया और उसकी नौकरी चली गई, वो तो आपको पता है ना? हाँ। तो अभी हम लोग सोडा सब पे बैठे थे ना, तो वो तूफान एक्सप्रेस होके आया, वो कुछ फुल एंड फाइनल हिसाब करने गया था, तो हिसाब तो हो गया लेकिन उन लोगों ने उसे पैसे नहीं दिए, बोला कि जब हमारे पास पैसे आएंगे तब देंगे। तो हम सब बैठे थे तो हमने उसको बोला कि भाई तुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो हम सब मदद करने को तैयार है, लेकिन उसने मना कर दिया बापूजी। बेचारे पोपट के साथ बहुत बुरा हुआ। बहुत बहुत बुरा हुआ बापूजी, एक तो बेचारे को पहले से ही शादी का टेंशन है, अभी नौकरी भी चली गई, और हालात भी ऐसे हैं कि जल्दी कोई दूसरी नौकरी मिलना भी मुश्किल। ये कोरोना की वजह से सबके व्यापार धंधे पे बहुत असर हुआ है बापूजी, सब व्यापारी लोग अपना जो पुराना स्टाफ है वो भी कम कर रहे हैं, ऐसे में अभी नई नौकरी मिलना तो भगवान करे ये समय जल्दी से बीत जाए और सबको नौकरी मिल जाए। सबको? सबको क्यों बापूजी, जिसको नौकरी नहीं चाहिए उनको क्यों? जेठिया सबको मतलब जिनकी नौकरी छूट गई है, जिनको नौकरी की जरूरत है उन सबको। अच्छा अच्छा, तू जा, जाके सो जा। और आप? मैं भी सोने ही जा। अच्छा ओके बापूजी, शुभ रात्रि। हाँ शुभ रात्रि। हे भगवान, जल्दी से पोपट को नौकरी दिलवा देना और उसे चिंता मुक्त कर देना, वरना उसका स्वभाव ऐसा है जब तक काम नहीं मिलेगा चिंता करता रहेगा। बोल दोस्त बोल, तू तो कुछ बोल। ऐसे टेंशन के वक्त मेरे गोकुलधाम वाले और तुम, बस दो ही सहारे हैं मेरे। क्या करूं मैं, कब नौकरी मिलेगी?
अरे अब तो बचत के पैसे भी खत्म हो रहे हैं, क्या करूं? भूख लग रही है लेकिन खाने का मन नहीं है। तुझे पता है पत्नी नहीं है, नौकरी नहीं है और अब तो नींद भी गई। और आधी रात हो गई लेकिन नींद नहीं आ रही, सर घूम रहा है। नहीं पोपटलाल, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, सोना तो पड़ेगा। सोओगे नहीं तो सेहत पर असर होगी। जान है तो जान है, जंग जंग लड़नी है नौकरी पाने के लिए, जंग। पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। दूध, मसाला दूध, मसाला दूध पीकर सोता हूं। देखिए अब मैं सोने जा रहा हूं, नींद टूटनी नहीं चाहिए। वैसे भी सुबह होने में बहुत कम वक्त बचा है। और प्लीज ऐसा चमत्कार करना कि कल की सुबह मेरे लिए खुशियों के पल लेकर। ओके, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हेलो। गुड मॉर्निंग पोपटलाल जी। गुड मॉर्निंग, कौन? मैं मोना बोल रही हूँ। कौन मोना? मैंने आपको रिश्ते के सिलसिले में फोन किया है। नौकरी का टेंशन दूर नहीं हुआ है लेकिन शादी का टेंशन दूर हो गया, रिश्ता आया है। बोलिए बोलिए मोना जी, आपकी आवाज कितनी मीठी है। मुझे आपकी आवाज से पता चल गया कि आप दिल की बहुत अच्छी है। और मुझे अपनी पत्नी में एक ही गुण चाहिए, बस वो दिल की अच्छी हो। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पोपटलाल जी मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन अभी आपने कहा ना कि आपने रिश्ते के लिए फोन किया है। पोपटलाल जी मैं सात फेरे मैरिज ब्यूरो से बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 मोना जी, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। आपने कहा कि मैंने रिश्ते के लिए फोन किया तो मुझे लगा कि आप ही लड़की है, लेकिन आप लड़की नहीं है। मैं लड़की ही हूँ। नहीं मतलब आप वो रिश्ते की बात हो सके वो लड़की नहीं है। बताइए किस रिश्ते की बात कर रही थी आप? पोपटलाल जी हमने एक लड़की और उसके फैमिली को आपके बारे में बताया और आपका बायोडाटा भी फॉरवर्ड किया, और अच्छी बात ये है कि उनको आप पसंद आ गए हो। सच? हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू मोना जी। वेलकम। पोपटलाल जी उनकी तरफ से 70-80% हाँ ही है और वो आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं। हाँ हाँ आज ही मीटिंग कर लेते हैं, बताइए कब करनी है। हाँ मैं उनसे टाइम सेट करके आपको बताती हूँ, बस आप मुझे एक बार ये कंफर्म करा दीजिए कि आपकी प्रोफाइल में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए ना। जी 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 कीजिए। आप गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं? हाँ। आपका खुद का घर है? यस, सेकंड फ्लोर विद बालकनी। आप पत्रकार हो? हाँ। और आप तूफान एक्सप्रेस में काम करते हो राइट? हाँ। नहीं दरअसल मोना जी तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया है, मेरी नौकरी चली गई है। क्या आपके पास नौकरी नहीं है? नहीं। ओह वेरी सॉरी टू हियर पोपटलाल जी, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। नहीं नहीं पर बहुत जल्द मिल जाएगी। मगर पोपटलाल जी जब प्रोफाइल में कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए ना। हम लड़की वालों को कहेंगे तो हमें दो बात सुनाएंगे और हमारी मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी दो तीन जगह पर बात हो चुकी है, मुझे बहुत जल्द नौकरी मिल जाएगी। हाँ हाँ मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी, लेकिन अभी तो आपके पास नौकरी नहीं है ना। मैंने बोला ना भाई मिल जाएगी नौकरी, आप एक बार लड़की वालों से मेरी मीटिंग तो करवाइए। अब नौकरी नहीं है तो मीटिंग कैसे होगी? इससे पहले आप नौकरी कर रहे थे इस वजह से आपके रिश्ते की बात आगे बढ़ी थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन शादी के लिए जॉब सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। जो कमाता ना हो ऐसे लड़के के साथ कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कराना चाहेंगे। अरे मैंने बोला ना भाई कुछ भी हो जाए मैं अपनी पत्नी को दुखी नहीं होने दूंगा, चाहे फिर मेरे पास नौकरी हो या ना हो मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूँगा। आप मेरी बात समझिए। मैं तो समझती हूँ पोपटलाल जी, मगर लड़की वाले ये बात नहीं समझेंगे। और प्लीज कोई भी जॉब मिलते ही अपना प्रोफाइल अपडेट करवा लीजिएगा। थैंक यू सर। अरे मेरी बात तो सुनिए। दिया फोन? अरे नौकरी नहीं तो क्या रिश्ता नहीं करवाओगे? ये कैसी परीक्षा ले रहे हो?
जब नौकरी थी तो रिश्ता नहीं आ रहा था, अब रिश्ता आया तो नौकरी नहीं है। पोपटलाल अगर शादी करनी है कैसे भी करके नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। दोस्तों पोपटलाल ने दूसरी नौकरी करने की ठान ली है, लेकिन जब वक्त इतना कठिन है, दौर इतना नाजुक है कि लोगों की नौकरियां जा रही है, ऐसे में कोई नौकरी मिलना कितना मुश्किल। लेकिन पोपटलाल के इरादे तो आप जानते ही हैं। पोपटलाल के इरादे बिल्कुल अर्जुन के निशाने की तरह, आकाश पाताल एक कर देगा पोपटलाल। जब ठान लेता है तो करके ही रहता है। इसे कहते हैं फाइटिंग स्पिरिट, यानी कि परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता, ताकत। और पोपटलाल की फाइटिंग स्पिरिट तो आप जानते ही हैं कि छोटी छोटी बात में दुनिया हिला देता है। तो नई नौकरी ढूंढने के लिए वो क्या क्या करेगा, जो कुछ करेगा। लेकिन आपके घरों में होगी हंसी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।